तो दोस्तों जनवरी 12, 2023 को जगदीश एंड विशाला वेन ट्रैवल करते हैं टोरंटो कनाडा फ्रॉम इंडिया सात दिन बाद उनकी डेड बॉडीज बरामद होती है फ्रॉम इमर्स इन कैनेडा ट्वेल्व मीटर्स अवे फ्रॉम यू एस कैनेडा बॉर्डर शॉकिंग बात ये नहीं है कि वो क्रॉस कर रहे थे यूएस कैनेडा बॉर्डर शॉकिंग बात यह है कि वो क्रॉस कर रहे थे फ्रॉम कैनेडा टू यू एस ए बल्कि सबसे ज्यादा बॉर्डर क्रॉसिंग

तो दोस्तों टू गिव यू ऑल सम कॉन्टेक्ट अगर आपने मेरे यूएस मेक्सिको बॉर्डर क्रॉसिंग वाले देखे हैं इन विच इंडियंस आर द सिक्स बिगेस्ट कम्युनिटी टू क्रॉस एवरी सिंगल डे लास्ट ईयर अराउंड टू पॉइंट टू मिलियन पीपल क्रॉस यू एस मैक्सिको बॉर्डर एंड अगर आप यू एस कैनेडा बॉर्डर की बात करो दैट नंबर वॉज अराउंड हंड्रेड थाउजेंड जो कि कैनेडा से यू एस प्लस यू एस से कैनेडा क्रॉस किया जा रहा है इन द लास्ट फ्यू इयर्स. दिस इज ऑल्सो टेबल जिसमें आप देख सकते हो कि नंबर इज इंक्रीजिंग एवरी सिंगल ईयर इट टू बी फोर्टी थाउजेंड फॉर फिफ्टी थाउजेंड इन ट्वेंटी एटीन ट्वेंटी नाइनटीन नाउ इट हैज़ ग्रोन टू हंड्रेड थाउजेंड प्लस तो क्या रीज़न है इंस्पिरेशन इज फ्रॉम मेक्सिको बिकॉज मैक्सिकन्स कैन फ्लाई वीज़ा वीज़ा फ्री उन्हें वीजा की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है टू गो टू कैनेडा एंड कैनेडा में जाके दे कैन देन एंटर यूनाइटेड स्टेट्स तो ये एक इंस्पिरेशन है पर शॉकिंग पार्ट ये नहीं है कि मैक्सिकन कैनेडा से यूएस क्रॉस करते हैं शॉकिंग पार्ट इज मोर पीपल क्रॉस फ्रॉम यू एस टू कैनेडा एज कंपेयर टू कैनेडा टू यूएसए रीजन क्या हो सकता है क्या आप सोच सकते हो बिकॉज हम इंडियन सोचते हैं कि इन टर्म्स ऑफ टेक या फिर डॉक्टर इंजीनियर जो सबसे ज्यादा है यूएस में फ्रॉम इंडिया हम सोचते हैं कि यार यूएस में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है सबसे ज्यादा सैलरी है बट रियालिटी इज कि कैनेडा इज मच मोर वेलकमिंग एज कंपेयर टू यू एस इन टर्म्स ऑफ इमीग्रेशन एंड गिविंग अ जयलम नाइंटी परसेंट इमिग्रेंट्स का ये भी मानना है आपको नंबर से दिख ही रहा है कि ज्यादा लोग यूएस से कैनेडा क्रॉस करते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि कैनेडा मोर वेलकमिंग इस कारण है बिकॉज इमिग्रेंट्स को जाते ही हेल्थ केयर फ्री में मिल जाती है एंड दे डोंट हैव टू वरी अबाउट यूएस में अगर कुछ भी गलती से हो जाता है काफी लोग जो आपको होमलेस यूएस में दिखते हैं दे आर होमलेस बिकॉज ऑफ हेल्थ केयर इश्यूज फिफ्टी परसेंट से ज्यादा प्लस कैनेडा आपको ईजीली वर्क ऑथराइज़ेशन देता है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज टू वर्क आपको ईजिली मिल जाती हैं अगर आप वहाँ पर असाइलम अप्लाई करते हो एंड इट्स अ मोर फ्रेंडली कंट्री एज कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स ये सारे नंबर्स जो आपको बता रहा हूँ ये ऑफिशिय नंबर है ये भी हो सकता है कि अनऑफिशियली बॉर्डर क्रॉसिंग इससे भी ज्यादा हो चला ही तो कहानी की शुरुआत करते हैं फ्रॉम अ विलेज इन गुजरात ये कोई नॉर्मल विलेज नहीं है यहाँ से बच्चा बच्चा तक यूएसए जाना चाहता है आप कई घरों के दरवाजे देखोगे जो परमानेंटली जहाँ पर ताले लग चुके हैं क्योंकि वो लोग या तो यूएसए जा चुके हैं या या तो यूएसए के बाद कभी वापस आ ही नहीं पाए वही हमारा धर्म है अमेरिका जाना तुम्हारा धर्म है कर्म कर्म है है हमारा तो इस कहानी के दो पहलू है पहले तो ब्राइट साइड जो की बच्चा बच्चा तक देखता है क्योंकि इन्होंने बचपन से अपने आसपास लोगों को यू एस जाते हुए देखा है तो वो भी जाना चाहते हैं तो ब्राइट साइड ये है कि ये सोचते हैं कि यार विदाउट एजुकेशन वाट्स द मैक्सिमम मनी दे कैन मेक वो ज्यादा से ज्यादा ट्वेंटी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड रुपीज़ एक दिन का हज़ार रुपये बारह बारह चौदह चौदह घंटे काम करने के बाद कमा लेंगे जितने पैसे वो साल में इतनी मेहनत के बाद कमाएंगे उससे ज़्यादा वो बचा सकते हैं बाय वर्किंग इन अमेरिका फॉर व्हाइट कॉलर तो नहीं ब्लू कॉलर जॉब्स जैसे कि वर्किंग फॉर इंडियन स्टोर्स इंडियन रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा

फोर्सिबली आपको रेफ्यूजी की तरह एक्सेप्ट करना पड़े क्योंकि आपके पास आइडेंटिटी नहीं है तो इन सब तरीकों में अगर आप रेफ्यूजी बन जाते हो असाइलम ले लेते हो तो भी आप इंडिया 10-15 साल तक नहीं जा सकते अगर असाइलम आपको नहीं मिलता तो आप सारी उम्र अनडॉक्यूमेंटेड रहोगे एंड यू कैन नेवर एवर गो बैक टू इंडिया फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रॉस करते हो यूएस मेक्सिको बॉर्डर आप इंडिया से आए मेक्सिको और या फिर आप किसी भी लाइक लैटिन अमेरिका कंट्री में आए फिर आप मेक्सिको से सीधा यू तो फिर आप अजायलम के लिए अप्लाई करोगे एंड उसके बाद प्रोसेस ये होता है इट टेक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी टू टू हंड्रेड डेज आपको एक ई कार्ड मिलेगा विच इज योर वर्क ऑथोराइजेशन एंड देन अजायलम के बाद आप यू में काम कर सकते हो एंड सेम इज द केस फ्रॉम कैनेडा कैनेडा से आओगे आपको ई मिलेगा एंड देन यू कैन कॉल दैट इमिग्रेंट डॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट एंड अनडॉक्यूमेंटेड रहोगे बट रियालिटी इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अप्रूव फॉर दैट वर्क ऑथराइजेशन प्रॉबिलिटी इज लेस देन वन परसेंट फॉर इंडियंस इसके बावजूद भी काफ़ी लोग अटैम्प्ट करते हैं एंड ये प्रॉबिलिटी हालांकि काफ़ी ज़्यादा है फ्रॉम पीपल फ्रॉम साउथ अमेरिका मैक्सिकन्स क्योंकि वो प्रूव कर पाते हैं दे आर कमिंग फ्रॉम अ कंट्री जहाँ पर वायलेंस बहुत ज़्यादा है अगर आप कंट्री कि एग्जाम्पल ले लो फॉर एग्जाम्पल एल सावरडोर वहां पे लोगों को फोर्स किया जाता है टू मर्डर इच अदर फॉर मनी सुपारी दी जाती है बिकॉज वहां पे मर्डर रेट काफी ज्यादा हाई है So इंडियन भी अटैम्प्ट कर रहे हैं फ्रॉम मैक्सिको कैनेडा क्या रीजन हो सकता है रीजन से पहले अगैन अगर आप नंबर भी देखोगे ट्वेंटी ट्वेंटी टू में थर्टी फाइव हंड्रेड लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया फ्रॉम कैनेडा टू यूएसए बट USA say Canada number tha can you guess? More than forty thousand. The border here and took a back is told by Canadian authorities they will be immediately arrested. And Canada is therefore struggling with the surge of immigrants. Canada some bali they didn't have enough resources. Canada is not prepared to handle and uskarin. There's a new rule. The new rule is called safe. थर्ड कंट्री एग्रीमेंट जिसका कहना यह है कि अगर आप अपनी जर्नी मैक्सिको से स्टार्ट करते हो अगर आप मैक्सिकन हो फर्स्ट ऑफ ऑल और आप सीधा जाते हो लेट्स से यूएसए तो वो हो गई सेकेंड कंट्री एंड कैनेडा हो गई थर्ड कंट्री का मतलब है कि थर्ड कंट्री में आपको असाइलम नहीं मिलेगा आप Canada, तीसरी कंट्री जा रहे थे वहां नहीं मिलेगा दैट पे आपको वो नहीं मिलेगी आपको सीधा असाइलम लेना पड़ेगा यूनाइटेड स्टेट्स तो इस कारण जितनी बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही है यूएसए से कैनेडा वो कम हो जाएंगी हालांकि ये रूल बहुत पुराना है ये रूल है बेसिकली टू का पर एक कुछ ही चेक पॉइंट्स पे एप्लीकेबल था एंड द मोस्ट पॉपुलर चेक पॉइंट फॉर इंडियंस एंड ऑल ओवर पीपल फ्रॉम कैनेडा एंड यूएसए इस कॉल्ड रॉक्सम रोड बॉर्डर यह बॉर्डर सिर्फीन माइल्स ऑफ यूएस एन कैनेडा एंड यह बॉर्डर इतना बिकॉज यहां पर होती है माइनस थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्लस

ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड आपके बॉडी पार्ट्स को सेल करना वो वहाँ पे ज्यादा है इसके कारण यूएस कैनेडा बॉर्डर को आप इजी बॉर्डर टू क्रॉस कह सकते हो बिकॉज योर चैलेंज इज बेसिकली स्नो एंड इट इज अराउंड फाइव थाउजेंड माइल्स लॉन्ग बल्कि यूएस मेक्सिको बॉर्डर इज हाईली पेट्रोल्ड हाईली कंट्रोल्ड एंड ट्वेंटी फोर सेवन आपकी तरफ कोई ना कोई ड्रोन या कोई ना कोई आपको देख रहा है बिकॉज दैट इज अराउंड टू थाउजेंड माइल्स इट इज ईजी टू कंट्रोल एज कम्पेयर टू फाइव थाउजेंड माइल्स इस कारण लोग यूएस कैनेडा का बॉर्डर प्रीफर करते हैं स्पेशली फॉर सम इंडियंस एंड मेजोरिटी ऑफ इंडियंस जो ये चूज करते हैं आर फ्रॉम गुजरात इसका रीजन बताने से पहले दिस बॉर्डर इज ऑल्सो सो डिफिकल्ट काफी लोगों को फ्रॉस पाइट होती है काफी लोग अपने फिंगर्स खो बैठते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड होती है माना जाता है अकॉर्डिंग टू बी बी सी आर्टिकल माइनस थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस की स्नो पर इवन इंडियंस तो क्या आपको शायद भी रेकमेंड ना करें जाना बिकॉज़ इट्स सो कोल्ड आप पांच दस मिनट ही मुश्किल से खड़े रह सकते हो इस ठंड में और वहां पे ग्यारह घंटे तक स्पेंड करके क्रॉस करना इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट स्टिल मेनी इंडियंस आर ट्राइंग टू डू टू एंटर यूनाइटेड स्टेट्स नाउ टॉकिंग अबाउट द इंडियन फैमिली हु डाइड अटेम्पटिंग टू क्रॉस कैनेडा यूएस बॉर्डर दे आर जगदीश एंड विशाला बैन वो ग्यारह घंटे से क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे वो पहले लैंड करते टोरोंटो टोरोंटो से वो जाते हैं इमरसन इन मैनिटोबा कैनेडा वहां पर जाने के बाद वो सिर्फ पंद्रह मीटर की दूरी पे होते हैं फ्रॉम द बॉर्डर एंड दे आर फाउंड डेड एंड उनके आसपास जितने भी लोग थे बीबीसी ने इंटरव्यू ली एंड अकॉर्डिंग टू दैट इंटरव्यू उनका कहना था कि दे केम थ्रू इलीगल स्टूडेंट वीज़ा और इलीगल स्टूडेंट वीज़ा होने के कारण दे वर अनडॉक्यूमेंटेड इन कैनेडा एंड जब आप यू एंटर करते हो आप जब असाइलम सीख करते हो अगर वो अप्रूव हो जाती है आप इमेडेटली बन जाते हो डॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट पर उनका मकसद ये नहीं था उनका मकसद ये था कि विदाउट सीकिंग असाइलम वो क्रॉस कर जाएँ bucky हर चीज इजी हो जाएगी बिकॉज दे कैन मीट द फैमिली एंड द फैमिली वॉज फ्रॉम दिंगूचा विलेज जो कि बहुत पॉपुलर है फॉर गोइंग अब्रॉड नॉट जस्ट अब्रॉड स्पेशली गोइंग टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड गुजरात से आपको पता होगा कि पटेल आर वेरी फेमस इन द यूनाइटेड स्टेट्स उनका सबसे बड़ा होटल्स एंड मोटे का बिजनेस है बिकॉज मोस्ट ऑफ द मोटेस एंड होटल्स आर ओन बाय गुजरातीज इन द यू एस एंड फैमिली कनेक्शन के कारण उनका गोल था टू चूज यूनाइटेड स्टेट्स एज कंपेयर टू कैनेडा क्योंकि अगर कोई भी और यूएस या कैनेडा में अगर कोई इमिग्रेंट आपको दिखता है जो जो कि आप से भी देख सकते हो, जो border crossing हो रही है, बिकॉज कैनेडा इज मोर वेलकमिंग एंड मोर लाइकली फॉर यू टू गेट वर्क ऑथराइजेशन देयर पर फिर भी यहाँ से इस विलेज से 1800 से ज़्यादा रेजिडेंट्स गए हुए हैं उनकी फैमिलीज गई हुई है टू तो यूनाइटेड स्टेट्स 3000 से ज्यादा फैमिली मेम्बर्स उन घरों से गए हुए हैं एंड द फैमिली जो कि डेड मिली थी इस बॉर्डर पे दे वर नॉट फ्रॉम अ वेरी पुअर बैकग्राउंड के पास दो घर थे वन वॉज अ टू स्टोरी हाउस एंड देवर वेल एजुकेटेड देवर टीचर्स इन फैक्ट एंड उनका गोल था कि वो अपनी फैमिली से मिलकर शायद शायद उनका गोल था बाकी गुजरातीज की तरह कि वो अपनी फैमिलीज के साथ मिलकर वो बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं एंड ऑल ओवर द यूएस जितना मुझे सुनने को मिलता है हर जगह यही लोग बात करते हैं कि इंडियंस आर बेटर इन डूइंग बिजनेस बिकॉज वो फैमिलीज को इन्वॉल्व करते हैं एंड दे आर एबल टू ग्रो बिकॉज दे आर एबल टू डेलीगेट द टास्क टूवर्ड्स फैमिली एंड जब वो बिजनेस करते हैं वो इंडिविजुअली आगे नहीं बढ़ते इन दिस इंडिविजुअलिस्टिक कंट्री बट वो कलेक्टिवली आगे बढ़ते हैं जस्ट लाइक इंडिया इज अ कलेक्टिविस्टिक कंट्री एंड इस विलेज के लोगों का मानना है अकॉर्डिंग टू बी बी सी आई वॉज बॉर्न एन लोअर मिडिल क्लास फैमिली अगर मैं अब्रॉड नहीं जाता हूं आई विल स्टे लोअर मिडिल क्लास पर्सन एंड उनका मानना है देर आर डॉलर ट्रीज इन दू एस एंड वो अचीव करने के लिए वो जानते हैं कुछ फैमिलीज का यह भी मानना है कि उनका बेटा कैनॉट गेट मैरिड अगर वो अब्रॉड से कनेक्टेड नहीं है या फिर वो अब्रॉड नहीं जाता एंड ये सिर्फ गुजरात में कॉमन नहीं है ये पंजाब में भी यही कहना है हैदराबाद में भी यही कहना है काफी की यही सोचा इफ यू वांट टू गेट योर ड्रीम गर्ल एंड गेट मैरिड आपको बाहर जाना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ द कंपटीशन एंड इस केस पे जब उनकी बॉडीज़ बरामद हुई वहाँ पर जो डोंकर है वह जो बंदा हेल्प करता है क्रॉसिंग द बॉडर दैट मिस्टर शांत वो एक वैन कैरी कर रहे थे ही इज़ अ पर्सन फ्रॉम फ्लोरिडा ही इज़ यूएस एस सिटीजन वो तो मिस्टर शांत जाते हैं फ्लोरिडा से सीधा इस बॉर्डर पर इस बॉर्डर पर अपनी वैन में पंद्रह लोगों के लिए रेडी रहते हैं टू ब्रिंग दैम टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड ही गॉट अरेस्टेड द सेम डे फाउंडेड नाउ व्हाट्स नेक्स्ट क्योंकि सेफ थर्ड कंट्री एक रूल जो पूरे बॉर्डर पे एक्सपेंड हो चुका है अगर अब आप इंडिया से कैनेडा आते हो कैनेडा से यूएस आते हो जो कि यूएस थर्ड कंट्री बन जाती है वहाँ पर आपको जलम डिनाई कर दिया जाएगा पर ये बॉर्डर क्रॉसिंग फिर भी कंटिन्यू होती जाएंगी बिकॉज 5000 थाउजेंड माइल लॉन्ग बॉर्डर इट्स सो हार्ड टू कीप ट्रैक ऑफ इट यू एस मैक्सिको बॉर्डर पर अगर जो बॉर्डर छोटा है वहां पे अगर टू मिलियन क्रॉसिंग अभी भी हो सकती है विदाउट गिविंग असाइलम विदाउट कीपिंग ट्रैक ऑफ दैम विदाउट स्टॉपिंग दैम तो यू एस कैनेडा बॉर्डर पर रोकना अभी भी बहुत मुश्किल है हालाँकि पीपल हैव बिन हायर ट्वेंटी फाइव पीपल मोर हैव बिन हायर्ड बाई यूनाइटेड स्टेट्स टू कीप एन आई ऑन दिस बॉर्डर बट स्टिल अगर आप वहाँ पर पकड़े जाते हो यू विल अरेस्टेड एंड सेंड बैक टू द सेकेंड कंट्री जहाँ पर आप जा रहे थे पर अगर आप नहीं पकड़े जाते दैन यू माइट बी एबल टू बट आई विल रिकमेंड एवरी वन टू नॉट टू अटम्प्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ डेंजरस नो बॉर्डर इज ईजी टू क्रॉस अगर आप पकड़े जाते हो इफ बाई चांस यू आर इन द केस ऑफ ह्यूमन ट्राफिकिंग कुछ कुछ पेपर्स ये भी कह रहे हैं बिकॉज दोज फोर पीपल हुड वो इस कारण डेड नहीं थे बिकॉज ऑफ द कोल्ड दे कुड भी डेड बिकॉज ऑफ ह्यूमन ट्राफिकिंग गोइंग ऑन देर इज नॉट इनफ एविडेंस अवेलेबल टू टेल द रीज़न ऑफ डेथ ऑफ फोर पीपल एंड ये रूल ऑल्सो आपको बताता है कि आप अगर वैसे ही कैनेडा जा रहे थे वहां पर वैसे ही लोग इतना सेफ हैं देन वाई गो टू यू एस द रीजन इज वन सकेंड टू बिकम डॉक्यूमेंटेड क्योंकि जिस कंट्री में आप जा रहे हो या तो फेक वीजा से जा रहे हो क्योंकि पंजाब में भी ऐसा होता है फेक एजेंट्स मिलते हैं वो आपको एक कंट्री में पहुँचा देते हैं बाकी कंट्री की स्ट्रगल आपकी होती है एंड आई विल रिकमेंड एवरी वन नॉट टू अटेम्प्टड चाहे आप फर्स्ट कंट्री में पहुँच के हो कॉन्सिक्वेंसेज बहुत बुरे हो सकते हैं अपने देश में इंडिया में जाना आई आई कंप्लीटली एक्सेप्टेड आपको लगेगा कि एन आर आई कह रहा है कि इंडिया जाना बेटर है एज कंपेयर टू बॉर्डर क्रॉस करना पर मेरे ख्याल से अपनी फैमिली के साथ रहना मैं हैंड्स डाउन प्रेफर करूँगा एज कंपेयर टू लिविंग द लग्जरी ऑफ लिविंग अब्रॉड आपका क्या मानना है लेवी नो इन द कॉमेंट्स बिलो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग